दोस्तों इस लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बाइनरी नंबर एकदम सिंपल होता है, जैसे कि आप नॉर्मल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें एडिशन वगैरह पढ़ते, उससे भी आसान है। बस इसमें थोड़ा सा एक तरीका फॉलो करना पड़ता है और आप आंसर तुरंत 4-5 सेकंड के अंदर आंसर इसका निकाल पाएंगे। और आपको पता है कि एनडीए एग्जाम दे रहे हो आप या एयरफोर्स, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है, वो किसी भी इन चारों में से किसी भी टॉपिक से हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं देवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देव क्लासेस। चलिए देखते हैं क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले एडिशन रूल क्या होता है, तो जैसे आपको जीरो में जीरो डिजिट ऐड करना हो उसका आंसर आएगा जीरो, अगर जीरो में वन ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा वन, अगर वन में जीरो ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा वन, अगर हम लोग वन में वन ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा वन जीरो। इसको टेन नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वन जीरो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो टेक कर लेंगे और वन ऐसा कैरी ले लेंगे, जैसे कि हम लोग के पास नंबर टेन होता तो जीरो लिख लेते हैं और वन कैरी ले लेते हैं। सेम यहां भी करना है कि जीरो आपको लिखना है, वन कैरी लेना है। तो ये फोर रूल है, इससे आप कोई भी एडिशन आ जाए बाइनरी नंबर का तुरंत कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग दिया पहला वाला, इसमें आपको दिया है फर्स्ट कह रहा है एड टू इंडेक्स, यहाँ पे लिख रहा था टू का मतलब होता है बाइनरी नंबर, एड दिस बाइनरी नंबर एंड दिस बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर होता है यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है टेन दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं एडिशन करना है, तो हमारे पास पहला डिजिट है वन प्लस वन, तो वन प्लस वन मीन्स हो गया टेन, तो टेन का क्या लिखना है हमें, जीरो वन एज अ कैरी हो जाएगा, वन एज अ कैरी हम लोग आगे वाले में ऐड कर देंगे, मतलब वन यहां हमने लिख लिया। फिर वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो करेंगे, रूल क्या है, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहां पे वन आएगा, लेकिन वन हमारे पास कैरी है, तो वन प्लस जीरो वन और प्लस कैरी वन, तो फिर क्या हमारे पास आ जाएगा टेन, टेन का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो फिर वन आएगा कैरी, आगे वाले में एड कर देंगे। फिर अगला नंबर हमारे पास देखिए जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन एंड देन हमारे पास आंसर आया वन और देन वन कैरी एड करेंगे हमारे पास आंसर आ गया टेन, इस बार टेन पूरा का पूरा उतर जाएगा क्योंकि फर्दर आगे नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक आंसर हो गया, एकदम सिंपल था। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है वन प्लस वन मीन्स टेन आएगा, टेन का जीरो लिखेंगे, वन एज अ कैरी, फिर उसके बाद जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन एंड वन एड करेंगे तो टेन फिर से आ जाएगा, टेन का जीरो वन एज अ कैरी, फिर 1 प्लस 1 इज 10, 1 प्लस 1 इज 10, देन इसमें 1 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 11, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 1। ठीक है, फिर हम लोग इसे क्या लेंगे, 1 यहां पे लिख लेंगे और 1 एज अ कैरी हो जाएगा जो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। 0 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, देन 0 में हम लोग कैरी 1 ऐड करेंगे तो हमें फिर मिल जाएगा 0 प्लस 1 इज 1, तो यहां पे आंसर हम लोग को मिल जाएगा 1। अब यहां पर कैरी वगैरह कुछ नहीं बच रहा है, 1 प्लस 1 इज 10, तो 10 का पूरा 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका, एकदम सिंपल था। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इसको आपको ट्राई करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे हमने दे दिया 1 1 0 1 1 1 0 1 को ऐड करके, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, ये हो गया एडिशन रूल, आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन रूल की तरफ, जो इसी की तरह एकदम सिंपल है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन रूल के बारे में, जो कि एकदम सिंपल है। जैसे कि पहला रूल कह रहा है कि जीरो पे अगर आपको जीरो डिजिट माइनस करना हो तो जीरो आंसर मिलेगा, अगर वन में आपको जीरो माइनस करना हो तो हम लोग को आंसर वन मिलेगा, वन में वन माइनस कर रहे हैं तो हमें जीरो मिलेगा, इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नंबर में भी आप करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। आपको बस ध्यान देना है फोर्थ रूल में, अगर जीरो माइनस वन आ गया तो जीरो क्योंकि वन से छोटा है तो माइनस नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मल नंबर में भी होता तो क्या लेता है, कैरी लेना पड़ता है, तो ये कैरी वन लेना पड़ेगा अगले वाले नंबर से, मीन्स हो जाएगा 10 - 1 = 1, बस ये रूल आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल कैसे करना है। आपको बाइनरी नंबर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट दिस बाइनरी नंबर टू दिस, ठीक है, तो हमने उस नंबर को ऊपर नीचे लिख लिया, तो पहला आ रहा है 1 - 0 करना है, 1 - 0 इज 1, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1, 0 - 0, 0 - 0 इज 0, 1 - 1, 1 - 1 इज 0, ये सिंपल आंसर हो गया यहाँ पे, तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, अगला एक बड़ा नंबर लेते हैं, आपको करके बताते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर ये है और ये, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमने नंबर को ऊपर नीचे लिख लिया, फिर पहला आ रहा है 1 - 0, 1 - 0 इज 1,
वन माइनस वन इज जीरो, देन आप देखिए यहां पे आ गया जीरो माइनस वन, जीरो में वन तो माइनस होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वन आया था कैरी ये वाला भी, ये दोनों नंबर एक साथ लेना पड़ेगा, वन इसके साथ आ गया, मीन्स हम लोग पढ़ेंगे टेन माइनस वन, टेन माइनस वन इज वन आ जाएगा हमारे पास, देन यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिजिट चला गया तो यहां पे हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये वन चला गया था इसके पास, यहां पे जीरो हो जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ रहा है जीरो माइनस वन, तो फिर हम लोग इस वाले डिजिट को इसके साथ ले लेंगे वन, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टेन माइनस वन इज क्या हो जाएगा वन, इधर जीरो बचा उसको नहीं लिखना, ठीक है, तो ऐसे करना है, ये सिंपल तरीका था, जहां पे जीरो माइनस वन आ जाए वहां पे ध्यान देना है वन कैरी लेके आपको सॉल्व कर देना है, तो टेन माइनस वन इज वन हो जाएगा, ये सिंपल तरीका है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं आपको करना रहेगा उसको, और उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जैसे नंबर दे दिया वन वन जीरो वन में माइनस करना है वन 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 को, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर करें, ठीक है, अगला लोग देख लेते हैं कन्वर्जन, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं, इससे भी क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तीन डेसिमल दिए नंबर दिए हैं, तीन टाइप के हैं, इसमें देखिए पूरा इंटीजर है पूरा, इसमें डेसिमल वाले डेसिमल नंबर है, और इसमें देखिए दोनों मिक्स है, ये तीन तरह के सवाल बन सकते हैं, और इन दोनों में अलग अलग रूल लेते हो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो पहले वाले के लिए रूल देखते हैं, जैसे आपको जो नंबर दिया है यहाँ पे इंडेक्स देखिए टेन आपको दिख जाएगा, टेन का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो नंबर दिया उसको टू से क्या करना था, डिवाइड करना था, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसको यहाँ पे लिखना रहता है, और इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में जीरो ना मिल जाए, तो आप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा वन, वन को आपको यहाँ लास्ट से लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या करना, फिर टू से डिवाइड कर दीजिए, टू टू जा फोर एंड टू वन जा टू, तो फिर हमको रिमाइंडर क्या मिल गया वन, वन को आप इसको आगे लिखना है, ठीक है, ये हो गया, फिर इसके बाद आपको इसको टू से डिवाइड कर देना है, टू वन जा टू एंड टेन टाइम पढ़ेंगे, टू टेन जा ट्वेंटी हो जाएगा, वन एज अ रिमाइंडर, वन एज अ रिमाइंडर, फिर इसको इसके आगे लिख लेना है, फिर इसको टू से डिवाइड करेंगे, टू फाइव जा टेन, पूरा पूरा कट गया रिमाइंडर जीरो, तो आपको यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा, फिर आप इसको टू से डिवाइड करिए, टू टू जा फोर, फोर यहाँ लिखना है, सॉरी टू टू जा फोर मीन्स टू, रिमाइंडर वन, वन आपको इसके आगे लिख लेना है, फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू वन जा टू और रिमाइंडर इज जीरो, फिर आपको इसको क्या करना है, टू से डिवाइड करेंगे तो अब तो डिवाइड होगा मीन्स टू जीरो जा जीरो रिमाइंडर देन वन, टू जीरो जा जीरो चला गया तो रिमाइंडर में वन मिलेगा, वन आपको यहाँ लिखना है, ये हो गया तरीका इसको चेंज करने के, इस तरह के डेसिमल नंबर को क्या करना है, टू से डिवाइड करना है रिमाइंडर लिखना है, तो ये आंसर जो आएगा आपको यही क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर, ठीक है, आप इसको ध्यान दे रहे हैं कि इंड से लिखना है इस टाइप, ठीक है, मींस राइट टू लेफ्ट चलना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा, लेते हैं दूसरे टाइप का नंबर जो डेसिमल में दिया है 0.125, इसको हम लोग जब बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे इसमें क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले में लोग डिवाइड करते हैं इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो उसका इंटीजर पार्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन का वही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, तो जैसे हम लोग इसको देखते हैं कि आपको जो नंबर दिया गया है 0.125 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा 0.250, जिसका आप देखें इंटीजर पार्ट मींस डेसिमल के पहले वाला पार्ट क्या है जीरो, आपको जीरो कहां लिखना है इस साइड में राइट टू लेफ्ट लिखना है इसके लिए भी, फिर आपको इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना हमें आंसर मिल जाएगा 0.500, ठीक है, इसमें भी देखिए आपको जो डेसिमल के लेफ्ट में पार्ट है मतलब कि जो इंटीजर पार्ट है वो आपको जीरो मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना है नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा 1.00, ठीक है, फिर हम लोग इसका वन इंटीजर एज यहां ले लेंगे तो इसमें हमारे पास नंबर वन हमने यूज कर लिया हमें मिल जाएगा 0.000, समझ रहे हैं, वन हमने इसका यहाँ लिख लिया मतलब उसको हमने ले लिया तो उसके पास 00, फिर इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 0.000, फाइनली बस हो गया, बस वहीं तक करना है जब तक 00 आ जाए फिर उसके बाद छोड़ देना है, हमें क्या मिलेगा उसमें इंटीजर पार्ट 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2, और चूंकि ये डेसिमल नंबर के लिए इसलिए यहाँ पे हमको डेसिमल आगे लगा देना है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डेसिमल नंबर को बदलना है इसमें बाइनरी नंबर में। अगला देखते हैं जो नंबर है दोनों मिक्स है, इसमें देखिए इंटीजर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए देखिए हम यहाँ पे समझाने के लिए देखो वही नंबर है जो ये 87 है उसको हमने बता दिया, 125 जो उसको भी बता दिया, तो आप अगर अदर नंबर तो पहले आप उसका इंटीजर पार्ट इस तरीके निकाल लीजिएगा, डेसिमल पार्ट इस तरीके निकाल लीजिए, फिर दोनों क्या कर दीजिएगा ऐड, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 87 में कितना आ गया था आंसर जरा बताएंगे
10111 ये आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डेसिमल पार्ट का कितना आ गया था, 0.0100 ये आ गया था। दोनों मिक्सअप कर लीजिए, हमारे पास मिल जाएगा 1010111.0100, ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसा करना है, ये हो गया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब आगे देखते हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको नोट कर सकते। अगला हम लोग देख लेते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना, ये भी एकदम आसान है। जैसे कि आपको इसमें क्या रखना है, प्लेस वैल्यू याद रखना है। प्लेस वैल्यू कैसे बाइनरी नंबर की निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, जनरल बाइनरी नंबर है, जिसमें आपको इंटीजर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को डेसिमल ना बोल के बाइनरी नंबर में क्या बोलते हैं, अगर बाइनरी नंबर में ये पॉइंट लगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी पॉइंट, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम में उसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी पॉइंट, और बाइनरी पॉइंट के जो लेफ्ट में मिलेगा मेरे लेफ्ट में और इसके राइट में जो है उसके लिए प्लेस वैल्यू अलग अलग निकालने का तरीका है। तो जैसे कि इधर पहला डिजिट हो जाएगा उसका जो प्लेस वैल्यू जाएगा 2 की पावर 0, आगे वाले के लिए 2 की पावर 1, आगे वाले के लिए 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, इसी तरह सो ऑन बढ़ता जाएगा अगर और नंबर होंगे। अगर हम लोग इस साइड चल रहे हैं राइट में बाइनरी पॉइंट के, तो देन 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, देन सो ऑन आगे तक, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 टाइप का नंबर लिया है और ये 3 टाइप का सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरे इंटीजर टाइप में है, यहाँ डेसिमल मतलब बाइनरी पॉइंट रखे हैं और यहाँ पे दोनों मिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू बस लिखना है, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो सबसे पहले आप या तो राइट से शुरू करिए, मींस 1 है हमारे पास, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या करना है, 2 की पावर 0, ठीक है, पहले के लिए प्लस करना है। फिर 0 हमारे पास है, 0 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 की पावर 1, देन फिर 0 हमारे पास है तो प्लस करना है 0 × 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लेस वैल्यू इसकी। फिर 1 है हमारे पास, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, सबको एड कर देना आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8। ये 0 × 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 × 2 करेंगे ये भी 0 जाएगा, 1 × 2 की पावर 0 मीन्स 1 × 1, तो यहाँ पे जाएगा +1, हमारे पास आंसर आ गया 1 और ये 9, तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल, यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स 10 लगा देना, ये हो गया आंसर। अगला वाला टाइप में देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखिए 0 का हम लोग को अब इसको क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 0 है तो 0 तो पहले वाले के लिए होता है 2 की पावर -1, देन +1 2 की पावर -2, देन +1 2 की पावर -3, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा वो, +1/8 हो जाएगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा 0.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, पॉइंट लगेंगे 10/8, 8 × 1 = 8, 2 आएगा, फिर 8 × 2 = 16, फिर 8 × 5 = 40, ऐड कर लेंगे हम लोग इसको तो मिल जाएगा 0.625, हम लोग के आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 10 लगा देना, तो ये हो गया डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का मिक्सअप देखिए, यहाँ पे जो ये पार्ट हमने यही दिया हुआ है ताकि टाइम बचे हमारा, और इसके लिए अगर आपको कोई दूसरा नंबर है तो आप पहले इस पार्ट को इस तरह निकालेंगे और डेसिमल पार्ट को इस तरह के निकालेंगे, देन उसको मिक्सअप कर देंगे। तो हम लोग के लिए इस पार्ट के लिए आंसर कितना आया था 9, और इस वाले के लिए आंसर कितना आया था 0.625, इसी को ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 9.625, एकदम सिंपल है, एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं, आप उसको करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 110.010, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, ये नंबर है, आप पहले इस पार्ट को अलग कर लीजिएगा, इस पार्ट अलग दोनों ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर जरूर करिएगा इसका। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, ये था कंप्लीट लेक्चर बाइनरी नंबर पे। आप इसमें से 4 पॉइंट हमने बताया, इन्हीं में से सवाल बनता है और इससे फर्दर कोई सवाल नहीं बनेगा एग्जाम में। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक।